हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है इस टू स्टडी चैनल में। आज लोग ये जो ट्रिगोनोमेट्री पढ़ रहे हैं क्लास 11th का फर्स्ट फर्स्ट टॉपिक है मेजरमेंट ऑफ एंगल। मेजरमेंट ऑफ एंगल का ये आज हम लोग का लास्ट टॉपिक रहेगा। इसके बाद हम लोग आएंगे ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन में कैसे कैसे, फिर आगे इसको हम लोग और ले चलेंगे, वो फिर आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो इसका आज हम लोग का लास्ट टॉपिक रहेगा। इसका प्रीवियस वीडियो आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ऊपर आई लिंक में या प्लेलिस्ट में कहीं से भी देख लीजिएगा। क्लास 11th मैथ ऐसा करके लिखा हुआ होगा, तो वहां से आप लोग आराम से इसको देख सकते हैं। ठीक, तो चलिए, आप लोग को बाद में भी देखना हो तो H2O स्टडी क्लास 11th मैथ ऐसा करके लिख दीजिए, बस तुरंत आ जाएगा टोटल वीडियो, वहां से आराम से देख सकते हैं। ठीक, तो आज का देखिए, आज का फर्स्ट फर्स्ट क्वेश्चन आज का क्या बोलता है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आज का बोलता है कि इफ इन टू सर्कल्स, देखिए दो सर्कल के बारे में बात कर रहा है। दो सर्कल है यानी दो त्रिभुज है, सॉरी दो वृत्त है, वृत्त त्रिभुज नहीं, त्रिभुज का ट्रायंगल होता है, एक भी ए वृत्त है, आगे छोटका है। बोलता है क्या कि इवन इफ इन टू सर्कल्स आर्क ऑफ सेम लेंथ सबटेंडेड एन एंगल 60 डिग्री एंड 25 डिग्री। बोलता है क्या, दोनों का अर्क सेम है, दोनों का अर्क सेम है। मान लीजिए एक अर्क का इतना इतना है, एल है, और ये दोनों एंगल कितना बना रहा है, यहाँ पे एक एंगल बना रहा है 60 डिग्री और एक एंगल कितना बना रहा है 75 डिग्री। 75 डिग्री एक एंगल बना रहा है, एक 60 डिग्री, दोनों का एल एल बराबर है, रेडियस दोनों का अलग अलग। फिर बोलता है कि फाइंड द लेंथ ऑफ द माइनर, एट द सेंटर फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडियाई। इसका रेशियो, इसका रेडियस मान लेते बड़का आर और इसका रेडियस छोटका आर, तो आर बटा आर, आर रेशियो छोटका आर बराबर पूछ रहा, आर रेशियो छोटका आर बराबर क्या होगा, यही हम लोग से क्वेश्चन में पूछा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे सॉल्यूशन करते हैं। जैसे थीटा बराबर क्या है, यहाँ से इसको थीटा वन ले लेते हैं, थीटा वन बराबर 60 डिग्री है, तो इसको रेडियन में चेंज कीजिए। 60 डिग्री को रेडियन में चेंज करने के लिए हम लोग इसमें क्या करेंगे, पाई बटा 180 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों, सो देखिए पाई बराबर क्या होता है, 180 डिग्री बराबर क्या होता है, 180 डिग्री बराबर पाई होता है, तो 1 डिग्री बराबर क्या होगा, पाई बटा 180 होगा, तो क्या डिग्री बराबर पूछ रहा है, 60 डिग्री, तो 60 डिग्री इधर से मल्टीप्लाई कीजिए 60, देखिए तो 60 गुने पाई बटा 180, तो यही चीज हम लोग यहाँ भी कर रहे हैं। तो ये 6 से ये 6 कैंसल आउट, 6 3 18 यानी पाई बटा 3 रेडियन, क्योंकि देखिए यहाँ थीटा डिग्री में रहता है, उसको हम लोग को रेडियन में एज्यूम करके लेना रहता है, तो थीटा 1 पाई बटा 3 रेडियन, थीटा 2 निकाल देते हैं, थीटा 2 भी यहाँ ऐसे ही निकलेगा 25 इंटू पाई बटा 180, 15 5 75 और 15 12 180, मतलब कि 5 पाई बटा 12 इतना रेडियन। अब देखिए थीटा 1 निकल गया, थीटा 2 निकल गया, दोनों का लंबाई बराबर है, दोनों का अर्क बराबर है, तो रेडियस तो आराम से निकाल सकते हैं। तो देखिए हम लोग क्या जानते हैं, थीटा बराबर अर्क बटा रेडियस, अर्क मतलब चाप बटा रेडियस मतलब होता है त्रिज्या, तो यहां से अर्क दोनों का लंबाई सेम है, तो यहां से निकल जाएगा एल बराबर थीटा 1 यानी ये थीटा 1 इंटू रेडियस ये बड़का आर, और इसके लिए क्या हो जाएगा एल बराबर थीटा 2 इंटू छोटका आर। तो देखिए दोनों एल एल बराबर है, दोनों एल एल, जब दोनों एल एल बराबर है तो हम लोग इसका क्या, हम लोग से पूछा था इसका ये के बारे में पूछा था ना, अच्छा देखिए एल एल दोनों को बराबर है तो यहां से कर सकते हैं थीटा 1 इंटू आर बराबर थीटा 2 इंटू आर, जब दोनों का लेंथ बराबर है, जब एक साइड बराबर तो दूसरा साइड भी ऑब्वियसली बराबर होगा। थीटा 1 कितना है पाई बटा 3 गुने बड़का का रेडियस कितना है, वही तो पूछ रहा है। थीटा 2 कितना है, थीटा 2 का 5 पाई बटा 12, 5 पाई बटा 12, छोटका का रेडियस कितना है आर। अब देखिए यहां से ये पाई से ये पाई कैंसल आउट होगा, अब इसको इधर ले आइए तो ये 12 केने लाइएगा तो क्या हो जाएगा 12 बटा 3 यानी 4 4 3 12 4 आर बराबर 5 आर, तो ये बड़का आर, ये बड़का आर था ना 60 डिग्री वाला, तो ये बड़का आर बटा छोटका आर, देखिए ये बड़का आर, सॉरी इसको इधर लिख देते हैं, यहां तक समझ में आ गया। अब इस ये देखिए ये बड़का आर बटा छोटका आर बराबर यहाँ क्या हो जाएगा, ये 5 इधर रहेगा और ये 4 इधर आ जाएगा, 4 मतलब बड़का आर रेशियो छोटका आर बराबर 5 रेशियो
चार, तो दोनों का रेडियस का रेशियो निकल जाएगा 5:4। देखिए करना था कुछ नहीं, बस केवल एल बराबर यहां से आर्क लेंथ निकाल देना था, एल बराबर थीटा वन इंटू आर, एल बराबर थीटा वन इंटू आर बराबर कर देना था क्या थीटा टू इंटू आर टू, सॉरी आर एगो छोट का आर लिए थे ना, तो थीटा थीटा वन इंटू आर बराबर थीटा टू इंटू आर, यही तो थीटा वन बराबर हम लोग को यहाँ मिला 5/3 रेडियन, थीटा टू बराबर 5/12 रेडियन। बस अब ये बड़का बट्टा छोटका आर निकाल देना, तो बड़का बट्टा छोटका 5:4 आएगा। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन कैसे बनेगा, सो किस तरह से इसको सॉल्यूशन करना है। इस टाइप का क्वेश्चन अगर कहीं भी मिले तो उसको सॉल्यूशन कर देना, छोड़ना नहीं है उसको। अगला देखते हैं, देखिए कभी कभी ना ये एपी एपी में दे देता है, इसका मतलब एरिथमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी के टर्म में दे देता है, तो ऐसा कंडीशन में किसे करिएगा सो देखिए। अच्छा उससे पहले एक और क्वेश्चन हम आप लोगों को बता देते हैं, वो क्वेश्चन क्या बोलता है सो देखिए, और ये आज हम लोग का लास्ट है ठीक। वो क्वेश्चन हम लोग को क्या बोलता है इससे बोलिए, देखिए कि ए हॉर्स इज टायर्ड टू ए पोस्ट बाय ए रॉक, देखिए वो घोड़ा बाड़ा बांधा हुआ है, एक घोड़ा बांधा हुआ है घोड़ा, और मतलब ये फील्ड है, ये फील्ड है, इधर ऐसे है, इधर ऐसे दीवार है या इधर ऐसे दीवार है, एक घोड़ा इधर बांधा हुआ है, इधर क्या है फील्ड है, ये ना पूरा घास है, घोड़ा बांधा हुआ है एक कोना में, जब कोना में घोड़ा बांधा हुआ है और ये जो रस्सी से बांधा हुआ रस्सी टाइट है, तो यहाँ बांधा हुआ है, अब ये कोना में यू चरेगा घास चरेगा, तो कितना दूर चर सकता है, इतना पार्ट इधर वाला और इतना पार्ट इधर वाला, यानी जितना दूर बांधा हुआ उतना ही दूर न चरेगा, एक्स्ट्रा तो उधर जाएगा ना, तो यही बोल रहा है कि एक घोड़ा बांधा हुआ है, उस घोड़ा को रस्सी क्या है रस्सी टाइट है, वो रस्सी टाइट है और उस सर्कल के 1/4 साइड में ही वो केवल घूम रहा है। ए हॉर्स इज टाइड ए पोस्ट बाय ए रॉक, इफ द हॉर्स मूव्स अलोंग ए सर्कुलर पाथ, उस सर्कुलर पाथ पे मूव करता है, तो ऑलवेज कीपिंग द रॉप टाइट, जब वो इधर उधर घूम के चल रहा है घास तो ये रस्सी क्या है हमेशा टाइट रहता है। और फिर क्या बोलता है, डिस्क्राइब 88 मीटर व्हेन इट ट्रेसेस 22 डिग्री एट द सेंटर, जब अगर ई वाला लेंथ यानी ई वाला लेंथ अगर 88 मीटर का हो, ये वाला लेंथ यानी वो जो 88 मीटर क्या है गोले गोले घूमता है, एंड द डिस्क्राइब 88 मीटर विंड ट्रेसेस 72 डिग्री, तो जब ये 88 मीटर इसे गोले गोले घूम जाता है तो यहां पे कितना डिग्री का एंगल बनाता है, कितना डिग्री का एंगल बनाता है 72 डिग्री का एंगल बनाता है। और फिर बोलता है कि फाइंड द लेंथ ऑफ द रोप, तो ये लेंथ ऑफ द रोप निकालना है, तो ये लेंथ ऑफ द रॉप ये क्या है, ये तो सर्कल का रेडियस है ना, यही वाला ना सर्कल का रेडियस हो जाएगा, तो सर्कल का रेडियस निकाल देना है, इतना झमेला झूठो को क्वेश्चन किया, डायरेक्ट दे दो काम था, तो ये सब घुमाने फिराने के लिए इतना किया हुआ। तो देखिए थीटा बराबर क्या है, थीटा बराबर 72 डिग्री है, इसको रेडियन में चेंज कीजिए तो रेडियन में क्या होगा 5/18 दाक 118 4 × 2 = 4 × 5 = 10 यानी 2π/5 रेडियन हो जाएगा। लंबाई यानी ये जो अर्क है अर्क लेंथ कितना दिया हुआ है 88 मीटर, तो रेडियस निकाल नहीं लीजिएगा, थीटा बराबर क्या होता है अर्क बटा रेडियस, तो यहां से रेडियस त्रिज्या मतलब आर बराबर क्या हो जाएगा अर्क बटा थीटा, अर्क का लंबाई कितना है चाप है 88 बटा थीटा कितना है 2π, 2π का वैल्यू रख दीजिए यहाँ 22/7 कोई दिक्कत नहीं है, और 22/7 और का कितना है, और ये बचा क्या था यहाँ 5 था, तो ये 5 ऊपर चला जाएगा 2π × 5 लिख देते हैं पहले 2π और ये नीचे 5 है वो 5 ऊपर चला जाएगा ठीक, और ये पाई का वैल्यू यहीं पे बैठाते हैं कितना 22/7, तो ये 7 भी ऊपर चला जाएगा, 22 × 88 2 × 4 5 × 2 = 10 70, तो रेडियस बराबर कितना आ जाएगा 70 मीटर ही करेक्ट आंसर, मतलब जो घोड़ा को रस्सी से बांधा हुआ था वो कितना कितना बड़का लंबाई था 70 मीटर का रस्सी था, तो 70 मीटर के रस्सी से बांधा हुआ है जिसमें घोड़ा क्या है
घोड़ा इतना ही दूर के अंदर अंदर जो भी घास है वो घास आराम से चर सकता है, जहां पे ये 72 डिग्री का एंगल बना रहा है और ये अर्क लेंथ यानी कि इतना गोले गोले घूम जा रहा है, वो 88 मीटर के गोले गोले घूम जा रहा है। तो वही बोलता है कि ये जो रस्सी से बांधा हुआ है इस रस्सी का लंबाई कितना होगा, लोग आराम से निकाल सकते हैं। तो आई होप यहां तक सब क्लियर हो गया होगा, यहां तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। दिक्कत होगा तो जरूर बोलिएगा सब लोग। एनसीईआरटी का भी एक्सरसाइज खत्म हो गया, एनसीईआरटी का एक्सरसाइज खत्म हो गया। अब देखिए यहां से एक तरह का कैसा क्वेश्चन आप लोग से पूछ सकता है, किस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है। क्वेश्चन से यहां से आप लोग से इस तरह से कर देगा ना कि यहां से ना जो एक मान लीजिए एक कोई ट्रायंगल दे देगा, एक कोई त्रिभुज दे देगा, त्रिभुज त्रिभुज दे देगा, ऐसे इस तरह से त्रिभुज दे देगा, यहां दे देगा ए बी सी और बोलेगा ना कि इसका जो एंगल है वो क्या है एपी में है। एपी मतलब कि मान लीजिए 60 मतलब कि ऐसा फॉर्म में दे देगा ना, ऐसा फॉर्म में दे देगा कि लगेगा ना कि वो धीरे 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 आगे बढ़ रहा है, मतलब सबका डिफरेंस सेम। जैसे देखिए 30 दे देगा, 60 दे देगा, 90 दे देगा। देखिए ये एपी में है, डिफरेंस निकाल के देखिए यहां भी 30 आ रहा है, यहां भी 30 आ रहा है, तो दोनों के बीच का डिफरेंस 30-30 का है, मतलब कि ये एपी में है। तो इस तरह से आप लोगों को क्वेश्चन दे देगा और बोलेगा कि ऐसे बोल देगा कि एक ट्रेंगल है, उस ट्रेंगल का ऑल एंगल्स क्या है एपी में है, तो ऑल एंगल्स एपी में है, तो एपी में एंगल कैसे लिखते हैं ध्यान रखिएगा। ट्रेंगल का सबसे छोटका क्या होगा, सबसे छोटका ट्रेंगल में तीन गो एंगल होता है, तो सबसे छोटा वाला क्या हो जाता है ए माइनस डी यानी ए माइनस डी छोटका, ये एपी में लिखने के लिए सिखा रहे हैं। और इससे बड़का क्या हो जाता है, इससे बड़का मतलब छोटका से थोड़ा सा वाला बड़ा क्या हो जाएगा ए, और सबसे बड़का क्या हो जाएगा, सबसे बड़का ए प्लस डी। तो जब भी आप लोग एंगल लेट कीजिएगा, बोलेगा छोटका बड़का सबसे बड़का एंगल, तो हमेशा ध्यान रखना कि छोटका ए माइनस डी लेट करना है, बड़का ए और सबसे बड़का ए प्लस डी ही लेट करना है। इसको सबको दिमाग में बैठा लीजिएगा, ठीक। तो ये क्या है, ये एक ट्रेंगल है, ये एक ट्रेंगल का एंगल है, ये एक ट्रेंगल का एंगल, और तीनों को जब जोड़ेंगे, तीनों को जोड़ेंगे तो कितना हम लोग को मिलेगा 180 डिग्री। ऑब्वियसली है कि मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि ये को छोटका एंगल है, फिर उससे ये बड़का है और ये सबसे बड़का है, तो तीनों को जोड़ेंगे तो 180 मिलेगा। तो उसी तरह से एक क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को देखते हैं, बना ही देते हैं, बता देते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या बोलता है, छोटा बड़ा सब आप लोगों को बताएं, छोटा कैसे किसको एज्यूम करेंगे, बड़ा किसको एज्यूम करेंगे। तो एपी का ये सब पार्ट है, और कभी कभी ना यहाँ पे ट्रायंगल बोल रहा है, कभी कभी आप लोगों को रिक्टेंगल भी दे देगा, इस तरह से रिक्टेंगल दे देगा, तो फिर क्या कीजिएगा, सॉरी ये क्वाड्रिलेटरल दे देगा, रिक्टेंगल मतलब क्वाड्रिलेटरल एक चतुर्भुज दे देगा। चतुर्भुज का एंगल को एपी में कैसे लिखिएगा, चतुर्भुज के एंगल को एपी में कैसे लिखिएगा, तो यहां से भी इसको भी सिखा देते हैं कि क्वाड्रिलेटरल को अगर दिया हुआ रहेगा तो क्वाड्रिलेटरल को किस फॉर्म में हम लोग कैसे लिखेंगे, कौन सा फॉर्म में। तो मान लीजिए ये है ए है, ये है बी है, ये है सी है, ये है डी है, तो सबसे एक छोटा होगा, फिर उससे बड़ा होगा, फिर उससे बड़ा होगा, सबसे बड़ा होगा। तो देखिये सबसे छोटा वाला कैसे लिखेंगे, सबसे छोटा वाला ए माइनस थ्री डी, फिर इसके बाद हम लोग इसके आगे लिखेंगे ए माइनस थ्री डी, फिर क्या लिखेंगे ए माइनस डी, फिर लिखेंगे क्या ए प्लस डी, फिर लिखेंगे ए प्लस थ्री डी। देखिये ये क्या है, ये सबसे छोटका है, छोटका है, फिर उसके ये बड़का है, फिर उससे ये बड़का है, और ये नीचे वाला क्या है सबसे बड़का है, सबसे बड़का है। तो इससे देखिए क्वेश्चन आप लोग हम स्क्रीन पे दे देंगे, इससे आप लोग को बना के और बताना होगा कि कितना कितना आ रहा है। तो ये सबसे छोटका है, इसको मान लेते हैं ए माइनस थ्री डी, ए माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस थ्री डी। देखिये सबको जोड़िएगा, सबको जोड़ने के बाद कितना समेशन आ जाता है 360 डिग्री आ जाएगा, 360, क्योंकि सब एक क्वाड्रिलेटरल का समेशन कितना होता है 360 होता है। यहां से दौड़ के देखिए ए माइनस थ्री डी, ए माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस, तो 3 × 4 3 × 4, तो ये सब खत्म हो जाएगा, तो ए बी सी यानी 4 हो जाएगा, 4 से भागा दीजिए, 4 9 4 36, ए बराबर 9 आया। तो देखिये ए बराबर अगर 9 आया
तो सब फिर यहाँ पे हम लोग और आगे आगे करके सब सॉल्यूशन कर सकते हैं, ठीक ना। और इसमें दिया हुआ रहेगा कंडीशन आप लोग, तो हो जाएगा ठीक। अब जैसे देखिए एक ट्रेंगल होगा, लेकिन एपी में जब भी लेट कीजिएगा तो इसी फॉर्म में एपी में लिखना है, जैसे देखिए ट्रायंगल वाला क्या था, ट्रायंगल वाला बोलता है द एंगल ऑफ ट्रायंगल आर इन एपी, द एंगल ऑफ ट्रायंगल आर इन एपी। तो जब एंगल ऑफ ट्रायंगल एपी में बोल दिया तो पहला क्या ए माइनस डी, दूसरा क्या होना चाहिए ए होता है, फिर क्या होगा ए प्लस डी। ये ट्रायंगल का एंगल है और ये एपी में है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में। और फिर क्या बोलता है एमबी ऑफ द नंबर ऑफ डिग्री इन द, और क्या बोलता है एपी एंड द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ डिग्री इन इन द लिस्ट ऑफ द नंबर ऑफ रेडियन इज द ग्रेटर इज 60 बटा पाई, तो फाइंड द एंगल इन डिग्री एंड रेडियन। तो एंगल पूछ रहा है डिग्री और रेडियन में निकालने के लिए हम लोग से पूछ रहा है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग यहां से निकालते, एक ट्रेंगल था, एक ट्रेंगल क्या है, ये ट्रेंगल है, ये ट्रेंगल एपी में है ठीक, ये ट्रेंगल एपी में इस तरह से फॉर्म में है। तो हम लोग यहां से निकाल सकते हैं कि ए बराबर कितना निकल रहा है, ए बराबर क्योंकि सबको ऐड करेंगे, सबको जब ऐड करेंगे तो ए माइनस डी प्लस ए प्लस ए प्लस डी बराबर क्या हो जाएगा 180 डिग्री। ये देखिए ये डी से ये डी कैंसल आउट, यानी थ्री ए बराबर कितना निकल जाएगा 60 डिग्री। जैसे ही ए बराबर हम लोग को 60 डिग्री निकला, अब आगे क्या बोलता है द एंगल्स आर, अब देखिए अब एंगल्स किस फॉर्म में आ जाएगा, एंगल्स ए बराबर सिक्स मतलब कि 60 माइनस डी आ गया ये वो, फिर ए बराबर क्या आ गया 60 डिग्री आ गया, फिर यहां से क्या आ जाएगा 60 प्लस डी आ जाएगा ठीक। ये हम लोग का एंगल निकल गया। अब फिर क्या बोलता है नंबर्स ऑफ डिग्री इन द लिस्ट एंगल, और फिर बोलता है रेशियो द नंबर ऑफ डिग्री इन द लिस्ट टू द नंबर ऑफ रेडियन, यानी सबसे शुरू सबसे छोटका, सबसे शुरू सबसे छोटका और सबसे बड़का। फिर से द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ डिग्री इन द लिस्ट टू द नंबर ऑफ द रेडियन इज इन द ग्रेटर, मतलब बोलता है कि सबसे शुरू जो सबसे छोटका है, छोटका का डिग्री में, छोटका के डिग्री में और सबसे जो बड़का है उस बड़का के रेडियन में एंगल, यानी इसका जो डिग्री में एंगल होगा और इसका जो रेडियन में एंगल होगा उस दोनों का रेशियो, उस दोनों का प्रोपोर्शन कितना दिया हुआ 60 रेशियो पाई दिया हुआ है। तो बोलता है कि फाइंड द एंगल्स इन द डिग्री एंड रेडियन, फिर बोलता है कि इस दोनों को एंगल डिग्री में और रेडियन में आराम से निकालिए ठीक। तो देखिए कैसे सॉल्यूशन होता है, इसको यहां से हम लोग फिर कैसे करेंगे। सो देखिए ये सबसे छोटका था a माइनस डी, ये सबसे बड़का था 60 प्लस डी, यानी a प्लस ए बराबर 60 आया था यहाँ। और बोलता क्या है कि ये जो सबसे छोटका है उस सबसे छोटका के डिग्री, यानी सबसे छोटका के डिग्री, तो 60 माइनस डी ये क्या चीज में है, ये तो डिग्री के ही फॉर्म में है, तो उसको डिग्री के ही फॉर्म में रहने देते हैं ठीक। और ये क्या है, ये देखिए ये भी डिग्री के फॉर्म में है, लेकिन इसको हमको क्या चेंज करना होगा रेडियन में, क्यों, क्योंकि डिग्री बटा रेडियन का रेशियो दिया हुआ है। सबसे छोटका यानी सबसे छोटका डी इज जी आर डबल, सबसे छोटका डिग्री बटा सबसे बड़का एंगल वाला रेडियन का रेशियो दिया हुआ है कितना 60 बटा पाई। तो सबसे छोटका कौन सा है? एंगल था 60 माइनस डी, तो 60 माइनस डी डिग्री में रहेगा, सबसे बड़का कौन है 60 प्लस डी, तो 60 प्लस डी को हम लोग रेडियन में चेंज करेंगे। तो इसको रेडियन में चेंज करने के लिए हम लोग को क्या करना होगा, रेडियन में चेंज करने के लिए हम लोग पाई बटा 180 से गुना करेंगे 60 प्लस डी, और यहाँ क्या करेंगे पाई बटा 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बस आराम से निकल जाएगा। अब देखिए अब डिग्री बटा रेडियन, डिग्री कितना है यहाँ पे 60 माइनस डी हो जाएगा, और रेडियन वाला कितना है, रेडियन वाला सबसे बड़का कितना था, बड़का ये वाला था 60 प्लस डी इंटू पाई बटा 180 बराबर हम लोग को क्या मिलेगा, यहां से देखिए 60 बटा पाई ये मिलेगा। अब यहां से सॉल्यूशन करके यहां से हम लोग डी का वैल्यू निकाल सकते हैं कि डी बराबर हम लोग को कितना आया। तो यहां से देखिए और स्टेप आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, अगर देखिए ये पाई से तो ये पाई आराम से कैंसल आउट हो जाएगा ठीक, और ये 180 ऊपर चला जाएगा,
तो 60 माइनस डी इंटू 180 बटा नीचे क्या हो जाएगा 60 प्लस डी बराबर यहां से मिलेगा 60 बटा नीचे 1 आ जाएगा। अब देखिए ये 180 यहां से उठ के ये नीचे आ जाएगा, तो इस 180 को यहां से हटा के 180 यहां कर दे रहे हैं, 6 कम 6 6 3 18 यहां बचा हम लोगों को कितना 3 बचा। ठीक, अब देखिए 3 से इसको क्या करते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 से इसमें मल्टीप्लाई कीजिए 6 3 18 180 माइनस 3D बराबर इधर से देखिए 60 प्लस डी यही ना होगा 60 प्लस डी 6 3 18 ठीक है। अब ये 60 को एने ले आए तो 180 में से 60 घटाएंगे तो 120 बराबर 3D इधर जाएगा, तो 3D और प्लस डी 4D हो जाएगा और डी यहां से निकालेगा तो 4 3 12 यानी डी बराबर कितना हो जाएगा 4 3 12 3 30 यानी डी बराबर कितना डिग्री मिल गया हम लोग को 30 डिग्री मिल गया। जब डी बराबर 30 डिग्री निकला तो अब यहां से नहीं निकाल सकते हैं, ए बराबर हम लोग को कितना था 60 यानी 60 माइनस 30 बराबर कितना हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा। फिर ये वाला हम लोग को कितना निकलेगा ए बराबर तो 60 डिग्री ही रहेगा और ये वाला कितना निकल जाएगा 60 प्लस 30 बराबर 90 डिग्री। तो देखिए तीनों एपी में निकल गया 30 60 90 यानी 30 30 का डिफरेंस यही हम लोग को निकालना था। तो ए और डी निकल गया, इसके बाद अब ये जो निकला है उसको रेडियन में चेंज कर दीजिए, डिग्री में 30 60 90 होगा और रेडियन में कितना होगा देखिए 30 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा पाई बटा 6 होगा, 6 डिग्री डिग्री से रेडियन में आप लोग भी तो खुद ही चेंज कर सकते हैं, तो पाई बटा 6 रेडियन हो जाएगा 60 डिग्री है तो 60 डिग्री का पाई बटा 60 यानी 3 6 18 तो पाई बटा 3 हो जाएगा। इसके बाद 90 90 बराबर कितना पाई बटा 2 2 9 हाँ पाई बटा 2 रेडियन यही तो है, डिग्री रेडियन दोनों निकल गया। तो आई होप आप लोग को यहाँ से अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन हम आप लोग को दे देंगे स्क्रीन पे, उसको क्या करना है बनाना है और सोल्यूशन करना और नीचे कमेंट करके बताना है कि उसका आंसर ये वाला आएगा। इसको समझ में आ गया होगा, यहाँ से डिग्री और रेडियन का रेशियो दिया हुआ था यानी सबसे छोटका वाला जो डिग्री होगा सबसे छोटका वाला एंगल का डिग्री बटा सबसे बड़का वाला एंगल का रेडियन का रेशियो दिया हुआ था कितना 60 बटा पाई। तो फिर हम लोग ऐसे ही किए बस केवल डिग्री से रेडियन और आज डिग्री और रेडियन फिनिश हो गया, खल्लास हो गया, डिग्री और रेडियन खत्म हो गया। अब इसके बाद इससे लेवल का क्वेश्चन आप लोग को और नहीं बनेगा, अगर इसे भी लेवल का क्वेश्चन आप लोग को अगर होगा अगर नहीं बन रहा होगा तो एक बार हमको बता दीजिएगा कि हाँ हमसे ये नहीं बना तो फिर हम आप लोग को बताएंगे। ठीक, और फिर एक काम आप लोग को दे रहे हैं कि पहले सोल्यूशन करके आंसर बताना है क्वेश्चन और दूसरा मतलब उसी में काम है, एक ही को काम है और दूसरा और उसी में एक और काम क्या है कि आप लोगों को शेयर करना है बस। ठीक, थैंक यू, बाय।